बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक ही रखे। जी फ्रेंड, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है और आप सबके बहुत ही काम आएगी। जी तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा होममेड सोप बनाने जा रही हूँ। हनी एंड मिल्क का सोप, यानी कि शहद और दूध का, बहुत ही सूटेबल है हमारी स्किन के लिए। जी तो सबसे पहले हम लेंगे ड्राई मिल्क। ये मेरे पास ये ड्राई मिल्क पड़ा हुआ है, ये 2 टेबल स्पून मैक्सिमम है, और इसमें हम 2 टेबल स्पून ही हनी डालेंगे। ये हमने हनी लिया है, ये 2 टेबल स्पून हम डाल लेंगे। जी तो हमें ये तीसरे नंबर पे चाहिए बादाम का तेल, ये भी हम 1 टेबल स्पून हमने ले लिया, और ये हमें 2 टेबल स्पून ये भी चाहिए। ये सब भी डाल देते हैं। और इसी तरह हमें चाहिए जैतून का तेल, ये भी हम 2 टेबल स्पून ले लेंगे। जी तो अब इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। अभी ये देखें, ये काफ़ी थिक लग रहा है, तो इसमें हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे। जी तो ये 1 टेबल स्पून मैंने ये वाटर ले लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक था हमारा ये मिक्सचर। तो ये देखें, 1 टेबल स्पून पानी डालने से ही ये देखें इस फॉर्म में आ गया हमारा पेस्ट। तो अब हम, अब आपको सोप किस तरह बनाना है वो दिखाते हैं। इसी तरह के ही मैं और वीडियोस इसे सोप मुख्तलिफ सोप बनाने के मतलब मैं आपको दिखाऊंगी, आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा। ओके, काफ़ी ज़्यादा हम सोप वाइटनिंग सोप सारे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा सोप बनाना सिखाऊंगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। ये हो गया हमारा मिक्स। जी तो इसके लिए हमें कोई सा भी सोप चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल ना हो, बिल्कुल इनके सिंपल सोप चाहिए, सादा सोप जो होता है साबुन, वो चाहिए हमें। तो ये मैंने लिया है इधर से, बेस नहीं मिलती इसलिए हमें सोप यूज़ करना पड़ा है। मैंने काफ़ी पता करवाया सोप की बेस अगर मिल जाए तो हम उसी से बनाएंगे, लेकिन बेस नहीं मिली इसलिए मैंने सोप ले लिया है। तो इसको हम ऐसे ही क्रश करेंगे। जी तो ये देखें, मैंने सोप को क्रश कर लिया है, और अब हम इसको डबल बॉयल मेथड से आपको ये गर्म करके दिखाएंगे किस तरह इसको हमने करना है। जी तो ये देखें, मैंने पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया है। तो अब हम इस साबुन को डबल बॉयलर की मदद से, हम ये देखें खाली बॉल हमने रखना है इस पानी के ऊपर रखना है, जो बिल्कुल इस देची के अंदर फिट हो जाए बॉल। तो इसमें हम डाल देंगे अब सोप,
इसको हम डाल देंगे इसमें। डाल दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होने शुरू हो जाएगा। अभी इसको डायरेक्ट आपने चूल्हे पे नहीं रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। इसको जब भी करना है या माइक्रोवेव में आप रख लें या इस तरह डबल बॉयलर से कर लें। तो आप ये देख ही रहे होंगे कि आप देखें इस तरह तकरीबन ये हो चुका है और हमने जो वो पेस्ट बनाया था अब हम ये भी डाल देंगे और दोनों को साथ ही कुक करेंगे। ये हम पेस्ट डाल रहे हैं। तो इसको साफ साफ अपने हिलाते हैं उन्हें। जी तो ये सब हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको किसी कंटेनर में डाल लेंगे। ये देखें मैंने ये इस तरह की शेप का एक ये लिया है। तो इसमें हम अब ये जो हमने लिक्विड बनाया था हम वो डाल देंगे, सोप जो हमने बनाया था। तो इस लिक्विड को हम मैक्सिमम, अब तो सर्दियां हैं तो वैसे भी रूम टेम्परेचर पे हम इनके पूरी रात रख देंगे तो ये ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल सोप की शेप आ जाए। अगर हम यानी कि आपने ज़्यादा जल्दी इसको ड्राई करना है तो आप इसको फ्रिज में रख दें तो ये मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लेगा और सोप की शक्ल में आ जाएगा, थिक फॉर्म में आ जाएगा। तो ये मैंने इसमें अब ये देखें डाल लिया है। तो इसको अब हम रख देंगे फ्रिज में और बाद में हम आपको दिखाएंगे ये किस तरह बनता है। जी तो ये 15-20 फ्रिज में रखने के बाद ये देखें कि साबुन हमारा बन चुका है और आप जिस तरह का ये यानी कि आप सांचा लेंगे, शेपर लेंगे, उसी तरह आपकी सोप की शेप हो जाएगी। और इसमें से बहुत अच्छी फ्रेगनेस आ रही है जो हमने इनके बादाम रोगन डाला था, हनी डाला था। और ये इतना सॉफ्ट होगा आपके हैंड को, इतना सॉफ्ट कर देगा आपकी स्किन को के, और शाइनिंग कर देगा। जो हनी है वो हमारी स्किन को वैसे ही शाइन करता है और हेल्दी भी करता है, और मिल्क भी हमारी स्किन को ब्राइटनेस में लाता है। मिल्क हमारे लिए यानी कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारी स्किन को ब्राइट करता है। जी तो ये देखा है हैंड को हमने कर लिया गीला और हम इस पर अब वही जो मैंने सोप अभी तैयार किया था आपके सामने वो लगा रहे हैं। ये आप देख ही रहे होंगे ये सोप लगते ही हैंड कितने शाइन कर रहे हैं, अभी हमने वॉश नहीं किया और वॉश आप देखिएगा कि ये कितने शाइन करेंगे। जी तो ये आप देख रही होंगे कि सोप लगाने से हमारे हैंड पे और ये देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं सोप को लगाते ही। बाज़ार से आप यानी कि बहुत ज़्यादा महंगे सोप लाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह आप घर पर यानी कि सर्दियों के लिए ख़ास तौर पर। जी तो अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जिसने नहीं यानी कि किया है उसका बेहद शुक्रिया और जिसने नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी ये सोप यानी कि इंशाल्लाह सोप काफ़ी किस्म के बनाने सिखाऊंगी, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था। चलें फिर अब इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।